बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। ये अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये कुछ ऐसा बोल जाती हैं जो इनके लिए मुसीबत बन जाता है। एक बार फिर ये चर्चा में है। कंगना रनौत को जावेद अख्तर की दायर याचिका मामले में सोमवार 27 जून को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कंगना कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद जावेद अख्तर के वकील ने कोर्ट में अपील की कि वो कंगना के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करें, क्योंकि वो कई मौकों पर कोर्ट में पेश नहीं हुई हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी पेश हुए और उन्होंने कहा कि कंगना रनौत 4 जुलाई को अदालत में पेश होंगी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई अब 4 जुलाई को शाम 4 बजे तक के लिए टाल दी है। बता दें कि कंगना रनौत ने मजिस्ट्रेट से अपील की है कि जब उनका बयान दर्ज कराया जाएगा तब कोई भी मीडिया का कर्मी कोर्ट में मौजूद ना रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि अब कंगना रनौत ने ऐसा क्या कह दिया कि वो कानूनी पछड़े में फंस गई हैं? तो आपको बता दें कि ये मामला जून साल 2020 का है, जब कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद जावेद अख्तर ने कोर्ट में कंगना के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था। दावा किया गया था कि एक्ट्रेस ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में फिल्म उद्योग में मौजूद एक विशेष गिरोह के बारे में बात करते वक्त जावेद अख्तर का नाम लिया था। कंगना ने यह इंटरव्यू 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। वर्कफ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत जल्द ही तेजस में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में वो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगी। वो हाल ही में फिल्म धाकड़ में भी नजर आई थी। ये फिल्म सिनेमा घरों पर रिलीज हुई थी और फ्लॉप साबित हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।